नमस्कार साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंस बात बताने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड जो है कभी सुधरने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उनका अभी तक जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हुआ है। तो बहुत ही बड़ी समस्या है कि आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड क्यों नहीं हो रहा है। ये बिहार बोर्ड के कुछ तकनीकी के कारण जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको टोटल डिटेल्स जो है बताने वाला हूं। बिल्कुल आप जो है धैर्य बनाकर देखें वीडियो, समझे, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जैसे कि ये देखेंगे, सबसे पहले यहां दिया गया है नेम, यानी कि आपका नाम। तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है। एनीवे मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, तो राहुल कुमार आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, आपने फॉर्म को भरा है, तो आप बोलिएगा यस सर, मैंने फॉर्म को भरा है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। घबराइए मत राहुल कुमार, मैं आपको टोटल डिटेल्स जो है बता रहा हूं कि कब आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। ठीक, आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें जो है आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, जैसे के लिए 35432, ऐसे एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा। उसके बाद पासवर्ड में जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ कहीं डाले होंगे, डेट ऑफ बर्थ डाले होंगे, तो डेट ऑफ बर्थ आप पासवर्ड रखे होंगे। और लिंक कब मिलेगा आपको, लिंक कब मिलेगा, ठीक है, यही बात आपके मन में उठ रही होगी कि हमें लिंक जो है कब प्रोवाइड होगा। तो देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये टोटल डिटेल्स जो है अभी मैं बता रहा हूं कि अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो आपका एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्द ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि 30 मार्च से लेकर जो है आपका एग्जाम 28 अप्रैल तक चलने वाला है। ठीक है, पूरे लगभग एक महीना जो है आपका एग्जाम हो रहा है, और वह एग्जाम किस पैटर्न पे हो रहा है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑनलाइन मोड में हो रहा है। किस मोड में हो रहा है आपका एग्जाम, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, और ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो दो पालियों में आपका एग्जाम हो रहा है। पहला पाली जो है 9:30 बजे से जो है लेकर 9:30 बजे से लेकर, एक मिनट, हाँ, पहला एग्जाम आपका टाइमिंग है 9:30 से लेकर 12:30 तक, ठीक है, और दूसरा जो है शिफ्ट है 2:00 बजे से लेकर जो है 5:00 बजे तक, ठीक है। और जो है यह परीक्षा जो हो रही है ये सभी जो है ऑनलाइन मोड में हो रही है, और हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन सेंटर बहुत कम है, जिस वजह से जो है 30 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच जो है यह परीक्षा आयोजित की गई है। जिनका फर्स्ट चरण में, यानी कि यहाँ पे लगभग जो है 20 स्टेप तैयार किया गया है, यानी कि 20 चरण जो है तैयार किया गया है, और 20 चरण में जो है आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो 20 चरण में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। जिन अभ्यर्थी का जो है पहला चरण में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो है एग्जाम है, उनका जो है लिंक प्रोवाइड हो गया जाएगा कितने तारीख को, 28 तारीख को। उनका लिंक किस दिन प्रोवाइड होगा, 28 तारीख को, यानी कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो है उनके पास जो है क्या हो जाएगा, एक लिंक आएगा, जिस लिंक को क्या करना है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, उसमें जो है आपका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे आपका नाम है राहुल कुमार, तो आपका नाम लिखा होगा राहुल कुमार, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है तो उस एप्लीकेशन को जो है एप्लीकेशन नंबर पे लिया होगा। उसके बाद जो है आपका पासवर्ड जो है डैश डैश दिखाएगा, यानी कि पासवर्ड में आप अपना कहीं हो सकता है तो डेट ऑफ बर्थ रखे होंगे, तो डेट ऑफ बर्थ जो है उस लिंक पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को जो है क्या करना है, आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो है लिंक आपको ऑटोमेटिक जो है ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। अब उस ग्रीन कलर के लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये पूरी टोटल डिटेल जो है आपको डाल देनी है, और आपका एडमिट कार्ड जो है आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे कि आप लोगों का जो है कब एडमिट कार्ड का जो है लिंक आपके पास आएगा, तो 24 घंटे या 48 घंटे के बीच, 24 घंटे या 48 घंटे के बीच जो है आपका जो है
लिंक आपके पास चला जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम 30 को है तो 28 को संभवतः जो है आपके पास लिंक जाएगा, या हो सकता है तो 29 को जाए। ठीक है, अगर आपका एग्जाम 5 तारीख को है तो हो सकता है संभवतः कि 3 तारीख या 4 तारीख के डेट में जो है आपके पास मैसेज आ जाए। हो सकता है तो आपका एग्जाम अगर 10 तारीख के अप्रैल में है तो हो सकता है तो आपका 8 तारीख 9 तारीख के बीच में जो है आपका क्या आ जाए, मैसेज आ जाए, और उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक जो है आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आएगा, जब तक आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आएगा तब तक जो है आप एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। तो यह इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।